श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। गुरान जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डरे नाही। गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। अर्थात इस जीव के सिर पर पूर्ण सद्गुरुदेव जी का कृपा हस्त है, इसलिए ऐसे सेवक के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती। सर्वसमर्थ सद्गुरुदेव जी की कृपा से आठ पहर की सिद्धियाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशित्व तथा वशित्व और नौ प्रकार की निधियाँ अर्थात नौ प्रकार के कुबेर के खजाने पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वच हाथ बांधे सेवा में सदा तत्पर रहती हैं और मुक्ति साथ नहीं छोड़ती, अर्थात वह मोक्ष रूप ही हो जाता है। सर्वसाधारण जीव और कई बड़े साधक जब योग साधना करते हैं तो रिद्धियां और सिद्धियां उनके अनेक मार्ग में आती हैं, वे इनमें फंसकर जीवन धीये से पतित हो जाते हैं। अनेकानेक मुक्ति के जिज्ञासु मोक्ष प्राप्ति के लिए कठिन तपश्चर्या और विभिन्न साधनाएं करते हैं, किंतु सच्चे गुरु भक्त को रिद्धियों सिद्धियों के पीछे भागने की इच्छा नहीं रहती है। जब उसका पूरा ध्यान अपने सद्गुरु में लीन हो गया तो वह मानो मुक्त ही हो गया। संकल्प विकल्प ही आवागमन का बीज है, उनका शमन ही मुक्ति है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पावे। जे मैं भूल बिगाड़िया ना कर चित्त, साहिब गोरा लोड़िए नफर बिगाड़े नित। अर्थात ऐ सद्गुरुदेव जी, आप तो महान और बख्शनहार हैं, मुझ सेवक से तो रोज बिगाड़ अथवा गलतियां होती हैं। यदि भूल से मेरे द्वारा बिगाड़ अर्थात आपकी आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन न हुआ हो तो हे दयालु प्रभु, मेरे प्रति अपने कोमल और निर्मल चित्त में किसी प्रकार का कुभाव न लाइए। श्री सूरदास जी भी यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। जयकारा।